हम में से कई लोग कॉफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन होंगे। मुझे भी कॉफ़ी बहुत पसंद है, स्पेशली कोल्ड कॉफ़ी। बट कई लोग कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई कहते हैं कि कॉफ़ी पीना हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो किन लोगों की बात सही है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, और अगर आपको मेरी वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। अब कई रिसर्चर्स एक्चुअली में कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, कैंसर से लड़ने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, और हमारी लाइफ भी बढ़ती है। और दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और कई लोगों को सोने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पास मेरे जैसे कॉफ़ी लवर्स के लिए गुड न्यूज़ है। FDA और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हम में से ज़्यादातर लोग इनफ कॉफ़ी कंजम्पशन नहीं करते हैं। हमें ऑलमोस्ट 3 से 5 कप कॉफ़ी के दिन में पीने चाहिए। अगर हम दिन में 3 से 5 कप कॉफ़ी पीते हैं तो उसके मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। नंबर 1, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क नहीं होंगे। इनफैक्ट जो लोग कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो गलत कहते हैं। नंबर 2, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। कॉफ़ी पीने से हार्ट स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरा, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। कॉफ़ी डायबिटीज़ फाइटर होती है, पर प्लीज़ कॉफ़ी के साथ चीनी मत पियो, उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं शुगर फ्री। चौथा, वर्कआउट के बाद की सोरनेस को कम करता है। अगर वर्कआउट से पहले हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो आप नोटिस करोगे कि सोरनेस बहुत कम होगी। 5वां, रिड्यूसेस डिप्रेशन। ज़्यादातर लोग कॉफ़ी को इसके कैफीन कंटेंट के लिए पीते हैं, और कैफीन एक ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन से लड़ने में हमारी बड़ी हेल्प करती है। तो ये थे कॉफ़ी पीने के बेनिफिट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, प्रोफाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।